जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर परमेश्वर के वचन सच्चाई से और ईमानदारी से सिखाए जाते हैं और आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। आज मैं एक वचन लेकर आया हूँ जो मत्ती उसका 7वां अध्याय और 1, 2, 3 वचन। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूचिता। ये परमेश्वर का वचन है और इस वचन से परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहते हैं। एक बूढ़ी औरत थी और वो लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रही थी, और रात का वक्त था और कब से वो कुछ ढूंढ रही थी, और वहाँ से कोई भाई साहब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये बूढ़ी औरत को ढूंढ रही थी, ला इसकी कुछ सहायता करते। बोले, माँ जी क्या ढूंढ रहे थे? बोले, मेरी सुई खो गई है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। उसने सोचा चलो मैं भी इसकी सहायता करता हूँ, वो भी वहाँ पर ढूंढने लग गया उस रोशनी के नीचे। कुछ दूसरे भाई साहब आए, उनको पता चला, वो भी ढूंढने लगे। नहीं, काफ़ी ढूंढने के बाद भी कुछ मिल नहीं रहा है। तो फिर उस सज्जन ने उस बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी सुई कहाँ पर गिर गई थी? बोलो, तो घर में कमरे में गिर गई थी। बोले, कमरे में गिर गई थी तो फिर यहाँ पर क्यों ढूंढ रही हो? तो बड़े यहाँ पर रोशनी है ना। अभी देखो कितनी बड़ी मूर्खता है, घर के अंदर और ढूंढ रहे बाहर। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसी बीमारी है कि समझो कि उसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर जीवन में सफलता आती है तो मेरे कारण आती है, और कुछ गड़बड़ी होती है तो उसका दोष किसी और के ऊपर लगाया जाता है, उसकी वजह से ऐसा हुआ, ये इसकी वजह से ऐसा हुआ। ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी ये बीमारी है। निष्फलता उसका कारण बाहर नहीं ढूंढना है, इस बूढ़ी औरत की तरह वो अंदर ही छुपा पड़ा है। कारण आपके अंदर ढूंढो कि आप निष्फलता क्यों प्राप्त कर रहे हो, आपके अंदर निष्फलता जो है वो क्यों हो रही है। एक बार एक सज्जन ने किसी इंसान से ये सवाल किया कि मैं जो बोलता हूँ, जो सवाल करता हूँ उसका मुझे हाँ या ना में उत्तर दो। और पूछा ऐसा कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है क्या उसके 100% जिम्मेदार आप अपने आप को मानते हो? और भाई साहब बोलते, मैं श्योर नहीं हूं, मैं पक्का नहीं हूं। अरे बोलते, मैं सिंपल सा सवाल कर रहा हूं, सिंपल उत्तर हाँ या ना में उत्तर, कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है क्या उसके जिम्मेदार आप अपने आप को मानते हो? ना तो हाँ बोल रहा है ना तो ना बोल रहा है, वो तो बोल रहा है मैं श्योर नहीं। फिर उस सज्जन ने उसको एक दूसरा सवाल कर दिया, क्या आप कभी किसी और पर दोष लगाते हो? हाँ या ना में उत्तर। और तब उसने उत्तर दिया, हाँ मैंने ऐसा कई बार किया है। आप कोई भी काम करते हो, निष्फल होते हो, और उस काम का दोष अगर आप किसी और के ऊपर लगा रहे हो कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसका मतलब आप अपनी सारी जिम्मेदारी उस इंसान के ऊपर डाल रहे हो। और जब सारी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल रहे हो तो क्या वो कुछ करने वाला है? वो जिम्मेदारी को क्या उठाएगा? आपने तो बोल दिया उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो क्या वो जिम्मेदारी उठाएगा? दोष अपने ऊपर डालो, जिम्मेदारी अपने ऊपर लो, तो आप कुछ कर पाओगे
आप उस परिस्थिति को बदल सकते हो, वरना किसी और के ऊपर डालने से आप भी बेखबर होकर सो जाओगे, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। आपकी असफलता, आपकी निष्फलता के जिम्मेदार सिर्फ आप हो, ऐसा ठान लो। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, जो भी चीज आप डालते हो वो नीचे आ जाती है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। मैं एक सवाल करता हूँ, क्या आप कभी गिरे हो, चाहे चलते चलते, चाहे सीढ़ियों से, चाहे कोई व्हीकल चलाते हुए, क्या कभी गिरे हो? मुझे मालूम है आपका पक्का उत्तर है हाँ। आप चाहे कम गिरे हो, लेकिन कभी ना कभी तो गिरे हो। अभी गिरने का कारण मालूम है क्या है? यही है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो आप गिरते? इस धरती की कुछ ऊंचाई के ऊपर चले जाओ जहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वहां पर कुछ भी चीजें आप रख दो वैसे ही हवा में तैरती रहती है। चांद के ऊपर जाओ, वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, चीज ऐसे ही हवा में अटकती रहती है, और है तो बहुत ही कम वहां पर है। बड़े बड़े जहाज गिर जाते हैं, कारण क्या? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। हवाई जहाज गिर जाता है, कारण क्या? ग्रेविटी। मोटरसाइकिल से गिर जाते हो, कारण क्या? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कभी किसी ने ऐसी कंप्लेन की कि इस गुरुत्वाकर्षण की वजह से मैं गिर गया? क्या किसी जहाज के मालिक ने ऐसा बोला कि गुरुत्वाकर्षण, इस ग्रेविटी की वजह से मैं गिर गया? आप कंप्लेन नहीं करते इसके बारे में, जबकि सही में जिम्मेदार वही है ग्रेविटी, ना होती तो आप ना गिरते। मालूम है आप कंप्लेन क्यों नहीं करते? क्योंकि आप कुछ उखाड़ भी नहीं सकते उसका, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप उसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं करते। लेकिन इंसान, देखो इंसान ने उस ग्रेविटी का इस्तेमाल किया, गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल किया। मालूम है क्रिकेट क्यों खेला जाता है? गुरुत्वाकर्षण हवा में जाकर खेल कर बताओ जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं, चांद पर जाकर खेल कर दिखाओ। टेनिस, बास्केटबॉल क्यों खेलते, क्यों खेल सकते हैं? यही ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। मतलब जो समस्या दिखती है उसका तो इस्तेमाल किया, जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते ना वहाँ पर आप कंप्लेन भी नहीं करते, और बाकी जगह आप दूसरे लोगों को दोषी ठहरा देते हो, इसके कारण मेरे जीवन में ऐसा हुआ, इसके कारण जीवन में मेरे ऐसा हुआ। जब तक आप अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। ये ठान लो कि आपकी निष्फलता, असफलता उसका कारण सिर्फ आप ही हो, ना कोई आपको चलाने वाला, ना आपका गुरु, कोई भी नहीं। आपकी निष्फलता के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगे, आप ही है। जब तक आप दूसरे को जिम्मेदार समझोगे तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मेरी बात ध्यान से समझ लो, आप कुछ भी बदल नहीं सकते, आप किसी को बदल नहीं सकते। अगर आप कुछ काम कर सकते हो तो वो ये है खुद को बदलना। आप खुद को बदलना सीखो। आप एक ही चीज बदल सकते हो, बस अपने आप को, और इसलिए खुद को बदलना सीखो। पूरी उम्र भूल करते रहे, मिट्टी थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे, ऐसी हालत है। मिट्टी चेहरे पर और आईना साफ करते हो, अरे अपने चेहरे से मिट्टी हटाओ, आईना अपने आप साफ हो जाएगा। किसी के ऊपर दोष मत लगाओ। परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने भाई की आंखों में क्या ढूंढता है, क्या तिनका ढूंढता है? बोले तेरी आंख में तो पूरा लट्ठा पड़ा है। दूसरों को कहाँ देखने के लिए जाता है, खुद को देखो। दोस्त दूसरों में देखते हो लेकिन है खुद में, और इसलिए अपनी निष्फलता, आपका जो कुछ भी है
उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है, और ऐसा मानना सीखो तो ही आप बदल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, वरना दूसरों को मानने से वो तो कुछ करने वाला है नहीं, क्योंकि वो जिम्मेदार भी नहीं। अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखो, दूसरे की आँख में तिनका मत देखो, खुद का लट्ठा निकालो। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।